इधर उधर मत देखो, हर वीडियो में आजू बाजू से नहीं आऊंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त साकेत सोहेल, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी पैलेट। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग बहुत तेज तो हो ही चुके हो, हर वीडियो में बताओ नीचे पढ़ ही लियोगे तो पढ़ ही लियोगे, तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले इस बार आप लोग पहले ही वो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, वो दबा दो। वो दबाओगे तो थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी तो और अच्छी 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 वीडियो आती ही जाएगी। तो चलिए टेक्निकल गुरु जी का नाम लेते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें चिकन अरेबियन सिजलर बनाने के लिए सबसे पहले लगेगी बोनलेस 250 ग्राम चिकन, जो कि आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं बोनलेस को। उसके बाद हमें लगेगा सॉल्ट, वाइट पेपर। उसके बाद इधर देखिए आप, हमने लिया है थोड़ा सा बोल के अंदर रेड चिली सॉस, सोया सॉस, एक अंडा बीट कर लेंगे, थोड़ा सा 100 ग्राम फ्लार और ये कॉर्नफ्लार। ओके अभी ये सब स्टार्ट करने से पहले पहले हमारे हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज करने के बाद अब हम ये चिकन के अंदर डालेंगे ये सॉल्ट और ये वाइट पेपर को। उसके बाद ये जो हमने चिली सॉस ले लिया है ये डाल देंगे, उसके बाद सोया सॉस, उसके बाद जो हमने एक अंडा बीट करके रखा है वो एक हम पूरा अंडा इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सॉल्ट, पेपर, चिली सॉस और अंडा है उसमें चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिक्स होने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर, और उसी के साथ हम डालेंगे मैदा, जो कि रिफाइंड फ्लावर बोलते हैं इसको। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने बैटर को पूरा रेडी कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर फ्राई करने छोड़ेंगे। हमें देखना है कि हम सब पीस एक साथ नहीं छोड़े, एक एक करके पीस छोड़ेंगे, तेल अच्छा गर्म हो छोड़ने से पहले। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तेल के अंदर कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जैसे कि थोड़ी देर में हम इसको चेक करेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि ये हुआ नहीं है, इसको हम थोड़ी देर और फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे अंदर ही। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, और जैसे कि हम इसको देखेंगे एकदम क्रिस्प दिख रहे हैं, तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो है अभी तैयार है। जब ये फ्राई हो जाएगा हम इसको इधर देखिए एक प्लेट में निकाल देंगे इधर। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने चिकन फ्राई करके रख लिया। उसके बाद जो सबसे पहला काम है, कुछ भी रेडी करने से पहले हमें रेडी करना है तवा, जो कि गर्म हो रहा है। ये तवा गर्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिज़लर इसी के ऊपर सब होता है। और अब हम जो चीज़ें रेडी करके रखेंगे वो है थोड़ा फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लेंगे, और चाइनीज़ की वेजिटेबल्स है जैसे कि कैरेट, बीन्स, कैबेज, रेड रेड एंड येलो कैप्सिकम और बीन्स, ये सब को हम बॉईल करके रेडी करके रख लेंगे। उसी के साथ हमें थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन रेडी करके रखना है, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ी सी सेलरी लीव, जिंजर, ग्रीन चिली, चिली सॉस, सॉल्ट, वाइट पेपर, थोड़ा सा बटर, वाटर, और यहाँ पे है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके, और ये है मैगी सीजनिंग सॉस, जो कि थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे इसका सॉस बनाने में। अभी सबसे पहले कुछ भी चीज़ करने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल्स डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बटर और उसको इसके अंदर कर लेंगे हम सॉटे। वेजिटेबल्स को इसके अंदर उसको अच्छे से सॉटे करेंगे। Thank you.
अभी ये जब बटर के अंदर सॉटे हो जाएगी तो हम इसका फ्लेम स्लो करके इसको साइड में निकाल लेंगे। अभी जब वो हमने वेजिटेबल सॉटे कर ली है उसके बाद जो हमने इधर देखिए जैसे कि जिंजर और ऑनियन को पेस्ट चॉप करके रखा था, हम इसके अंदर हल्का सा ऑयल डालेंगे खाली। उसके बाद जिंजर ऑनियन को हम थोड़ी देर इसको अच्छे से इसी के अंदर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको करेंगे। दो मिनट में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम जो है इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हमने इधर रेडी करके रखा है सेलरी, जिंजर और चिली, तो ये थोड़ा थोड़ा जो चॉप करा हुआ है हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको फिर हम अच्छे से पकाएंगे ताकि ये इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। ये होने के बाद अभी हम इसके अंदर डाल देंगे ये चिली सॉस जो हम निकाल के रखा है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। और फिर जो हमने इसके अंदर फिर ये देखिए सॉल्ट और पेपर हम ये डाल देंगे इसके अंदर। सॉल्ट और पेपर डालने के बाद 100 ml वाटर हमने इधर रेडी करके रखा है, वो 100 ml वाटर इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर ये जब हम इसको पानी डाल देंगे उसके बाद हमने इधर कॉर्नफ्लावर और पानी को मिक्स करके रखा है, उसके बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे जिससे सॉस थोड़ा थिक हो जाएगा और सॉस की डेंसिटी जो है वो थिक हो जाएगी। जैसे ये सॉस थोड़ा थिक हो जाएगा और सॉस रेडी हो जाएगा हम थोड़ा फ्लेम को स्लो कर लेंगे इधर जल नहीं जाए। फ्लेम स्लो करने के बाद हम जो है इसके अंदर ये जो बटर हमने रेडी करके रखा है ये हम इसमें डाल देंगे। बटर के साथ ही ये जो मैगी सीजनिंग की बॉटल है हम इसको मैगी सीजनिंग को 2 से 3 ड्रॉप निकाल के डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब अब हम ये सॉस पका लेंगे, ये सॉस पकने के बाद ये जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा है ये अब इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ ही जो है हम इसमें जो वेजिटेबल्स है वो भी डाल देंगे। और ये जैसे ही ये आप देख रहे हैं कि ये सॉस के अंदर बराबर हो चुका है सिज़र, हमने सॉस के अंदर पूरा पकौड़े को फ्राई कर लिया है। अब जैसे ये चिकन सॉस के अंदर हो जाएगी पूरा अच्छे से, इसके बाद जो हमने ये देखिए फ्रेंच फ्राइज जो हम फ्राई करके रखे हैं ये हम डाल देंगे इसके अंदर। फ्रेंच फ्राइज हम सबसे लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि फ्रेंच फ्राइज जो है वो लास्ट तक क्रिस्पी रहे और वो सॉस के अंदर जाने के बाद भी फ्लेवर दे लेकिन उसका क्रिस्प जो है वो वैसा का वैसा ही रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर देखिए, इधर नज़दीक आइए थोड़ा, आप लोग इसका टेक्सचर देखिए चिकन का, फ्रेंच फ्राइज, वेजिटेबल्स, ये कितना रिच दिख रहा है फ्लेवर्स में और जो है चिकन इसका। जैसे कि हमने जो हमारा स्टार्टर था हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब प्लेट से जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिज़लर जो है रेडी है, अब हम ये प्लेट से इसको सिज़लर में डाल देंगे। जैसे कि आप एक सिज़लिंग साउंड सुन ही सकते हैं कितना अच्छा सिज़लिंग साउंड आ रहा है। हमने जब इसको डाल दिया है अब हम जो है इधर जो तवा है इसको ऐसा थोड़ा साइड करेंगे और इसमें बटर लेंगे और लास्ट में इसमें बटर डालेंगे जिससे धुआं आएगा। लेकिन लेकिन एक मिनट, इधर देखिए आप लोग,
इधर ये तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जो कि सब्सक्राइब बटन है। फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और देखिए अभी की बटर कैसे डलेगा। ये डल चुका है बटर इसमें और अब आप देखिए कि ये कितना अच्छा दिख रहा है सिज़लर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिज़लर जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम सिज़लिंग साउंड के साथ है गाइस, बहुत ही उम्दा लाजवाब है दिखने में बस। तो फटाफट जाइए आप लोग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घर पे ट्राई भी तो करना है ना आप लोग को, फिर ये बनता कैसे है। चलिए थैंक यू। तो आप लोग को वीडियो तो अच्छी लगी होगी शायद, मेहनत तो बहुत किया हूँ, ज़्यादा एंड भी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, खाली वीडियो अच्छी लगी है तो जैसे पहले बोला था अभी भी बोलूँगा, सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करना मत भूलो, वो करो और शेयर करते रहो यार, लोगों में फैलाओ चीज़ को, फैलाओगे तो और सब बढ़ेगा, बढ़ेगा तो और मोटिवेशन मिलेगी, तो नई नई रेसिपी आएगी ना, और रेसिपी आएगी तो आपको तो मज़ा आएगा ही। तो इसी के साथ मैं देसी पैलेट थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको चैनल पे आने का, सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। हाँ 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 लास्ट लास्ट बेल आइकन दबा के जाना, बाय।